एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि वह बिंदु आपको पसंद आएगा। आज का बिंदु है हमारा कंपोजिशन स्टोरी राइटिंग। कौन सा बिंदु बताइए? कंपोजिशन स्टोरी राइटिंग। देखिए किस प्रकार से एक स्टोरी को लिखा जाता है, यह आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की परीक्षा में यह प्रश्न 6 से 10 तक का नंबर का बिंदु कम से कम आता है, इसलिए अंकों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए स्टोरी कैसे लिखी जाती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए स्टोरी को कैसे लिखा जाता है वो आपको बता रहा हूं। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। देखिए पास्ट टेंस में लिखी जाती है तो इसके लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों का सबसे ज्यादा ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्टोरी जिसको हम लिखने जा रहे हैं वह स्टोरी हमें हिंदी में याद होनी चाहिए, ताकि हम उस हिंदी के आधार पर फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सके, क्योंकि हमें टेंस का नॉलेज है और हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे एक कहानी एग्जांपल के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहली कहानी जो लिख रहा हूं वो है थर्स्टी क्रॉप। पहली कहानी है थर्स्टी क्रॉप, प्यासा कौवा। अर्थ क्या है इसका? प्यासा कौवा। तो देखिए इस कहानी को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या हमें यह कहानी हिंदी में याद है? एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे कोई पानी नहीं मिला। अचानक उसने घड़ा देखा, वहां घड़े में थोड़ा सा पानी था। कौवा पानी को पी नहीं सका, उसकी चोंच जो थी ना पानी में नहीं पहुंच सकी। फिर उसने एक उपाय सोचा, कुछ कंकड़ लाया, उन कंकड़ को घड़े में डाल दिया और इससे पानी ऊपर आ गया। फिर पानी ऊपर आने के बाद कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। जैसे ये कहानी हमको याद है, छोटे बच्चों को भी कविता के माध्यम से इस कहानी को सिखाया जाता है हिंदी के अंदर। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमा था। सेम जिस तरह छोटा बालक इस कविता के माध्यम से इस कहानी को याद करता है, तो बड़े बालक भी हिंदी के माध्यम से इस स्टोरी को अंग्रेजी में याद कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉप। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉप। एक समय एक कौवा था। इट वाज वेरी थर्स्टी। इट वाज वेरी थर्स्टी। वह बहुत प्यासा था। एक एक सेंटेंस लिखेंगे उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको अर्थ मालूम है और मीनिंग्स है तो निश्चित रूप से अच्छी कहानी लिख सकते हैं। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, तो क्या होगा? इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ, हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, बट इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर, बट इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर।
लेकिन उसे कोई पानी नहीं मिला, बट इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर। आपने देखा है यहां पर डिड कौन से टेंस में आता है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। तो फ्लू ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ये किस में आती है? पास्ट इनडेफिनिट में। तो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज पास्ट इनडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, तो आप एक कहानी को बहुत अच्छी ढंग से बनाएंगे। आगे देखिए, इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर, से कोई पानी नहीं मिला। सडनली सडनली इट सा ए पिक्चर, देयर वाज लिटिल वाटर, देयर वाज लिटिल वाटर इन इट। तो अचानक उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी थोड़ा था। इट्स बीक, दो तरीके से लिख सकते हैं, वह पानी नहीं पी सका या उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती। तो इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। इट थॉट ऑफ ए प्लान, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा। इट थॉट ऑफ ए प्लान, इट ब्रॉट सम पेबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेबल, क्या होते हैं पेबल? मैंने बताया था कि मीनिंग्स का ज्ञान होना भी जरूरी है, तो पेबल से होता है कंकड़ पत्थर। तो इट ब्रॉट सम पेबल्स, इट ड्रॉप देम इन द पिक्चर, किसमें डाले थे उसने? इट ड्रॉप देम इन द पिक्चर, उसने ने घड़े में डाले। द वाटर रोज, पानी ऊपर आया। इट ड्रिंक वाटर, इट ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। ठीक, यहां पर हमारी कहानी कंप्लीट होती है। देखिए, अब इससे शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। जब तक हम कहानी का मोरल नहीं लिखेंगे, तब तक इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसके शिक्षा लिखेंगे, मोरल क्या आता बताइए? विजडम पेज, बुद्धिमानी की जीत होती है। तो आपने देखा एक थर्स्टी क्रो की कहानी बहुत सिंपल है, तो कैसे याद करेंगे? इसमें कठिन मीनिंग्स कौन कौन सी है उन पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो आपसे नहीं आती उनको अंडरलाइन करें, और क्रिया का नॉलेज हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम हो, पूरी कहानी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है, या तो क्रिया की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड प्लस बी1 फॉर्म का यूज यहां पर किया गया है। तो अगर हमें पास्ट टेंस का नॉलेज है तो हम कहानी बना सकते हैं, और विशेष रूप से आपको बताया है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। कुछ सेंटेंस परफेक्ट में आ जाते हैं, ऐसा कर चुका था, तो आपके समझ में आया होगा। इस कहानी को आप लिखें या इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। एक दूसरी कहानी के माध्यम से मैं और बता रहा हूं, एक एग्जांपल और समझा रहा हूं, वैसे आपके समझ में आया होगा। दूसरी कहानी आपको मैं बता रहा हूं, देखिए किसका यूज करेंगे। वो है अगली हमारी ग्रीडी डॉग। देखो, कहानी कितनी भी हो, सभी कहानियों को लिखने का हमारा तरीका एक ही होता है। कोई सी भी कहानी हो,
उसकी भाषा सेम होती है, शब्द अवश्य अलग होंगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज, उसके लिखने का तरीका वो सब सेम होता है। इसलिए अगर आपने एक कहानी को अच्छे ढंग से लिख दिया तो दूसरी कहानी को लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपको टेंस का नॉलेज है और मीनिंग्स यानी वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी है। देखिए अगली कहानी अपन लिख रहे हैं, ग्रीडी डॉग। कौन सी कहानी बताइए? ग्रीडी डॉग। उस कहानी में कौवे के बारे में थी, जो कौवा क्या था? प्यासा। इसमें कुत्ता है, वो कैसा है बताइए? लालची है। तो लालची कुत्ते के बारे में है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग। अब आप बताइए यहां पर आपको कौन सा डिफरेंस नजर आया था? पहली लाइन सेम हुई, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, पहले एक क्रो लिखा था, अब हमने क्या लिख दिया? डॉग। तो बहुत कम चेंज होता है। इट वॉज वेरी ग्रीडी, इट वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। वन डे इट फाउंड, तो वन डे इट फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, क्या मिला उसे बताइए? रोटी का टुकड़ा मिला। लेकिन वो क्या था? लालची था। वो चाहता था कि मुझे एक रोटी मिली है, अब मुझे एक और मिल जाए, दूसरे की भी छीनना चाहता है। तो इट फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, उसे रोटी का टुकड़ा मिला। द डॉग टुक इट, द डॉग टुक इट, यानी उसने उसे ले लिया लेकिन खाया नहीं, लालच के कारण। एंड reached at the river bank, at a river bank, कहां पर पहुंच गया बताइए? at a river bank, नदी के किनारे पहुंचा। there was a bridge, there was a bridge over the river, नदी पर एक पुल था, नदी पर क्या था? एक पुल था। तो उसने क्या किया? उस पुल को शौक वाके पार कर रहा होगा, तो इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। पानी में परछाई देखते ही उसको क्या दिखाई दिया? आगे बताया जा रहा है, इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, इट थॉट अपनी परछाई को देखते ही उसके मन में विचार आया। इट थॉट देयर इज एन, देयर इज एन अनोदर डॉग, देयर इज एन अनोदर डॉग इन द वाटर। उसने क्या सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता भी है, पानी में कोई दूसरा कुत्ता भी है। इट वांटेड टू टेक इट्स ब्रेड, वह उसकी रोटी को लेना चाहता था, खुद के पास थी उससे संतुष्ट नहीं था, वो उस दूसरे कुत्ते की रोटी को प्राप्त करना चाहता था कि ये भी मुझे मिल जाए। क्यों? केवल लालच की वजह से। इट वांटेड टू टेक इट्स ब्रेड, सो इट बिगेन टू बार्क, इट बिगेन टू, इसलिए उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो रोटी प्राप्त करना चाहता था ना, इसलिए उसने क्या है? भौंकना शुरू किया। एज इट ओपन इट्स माउथ, एज इट ओपन इट्स माउथ, जैसे ही उसने
अपना मुंह खोला, कोमा इट्स ब्रेड फेल डाउन, इट्स ब्रेड फेल डाउन इन द वाटर, इट्स ब्रेड फेल डाउन इन द वाटर, पानी में गिर गई। इट हेड, इट हेड लॉस्ट, इट हेड लॉस्ट इट्स ब्रेड, वह अपनी रोटी को खो चुका था, यानी अपने पास जो रोटी थी दूसरी रोटी को प्राप्त करने के चक्कर में जो अपने पास थी वो उसको भी खो चुका था। तो इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी सैड फॉर इट्स ग्रीड, लालच के वजह से वो बहुत दुखी हुआ। मोरल, मोरल लिखेंगे, डोंट डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालच मत करो, लालची मत बनो। ये हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा दे के जाती है, यानी व्यक्ति को जानवरों से शिक्षा मिलती है। तो देखिए इस तरीके से अगर हमें हिंदी में कहानी याद है तो निश्चित रूप से मानो आपको कहानी बनाना बहुत सरल होगा, लेकिन आवश्यक क्या है, इसके लिए आवश्यक हमें टेंस का नॉलेज होना और अच्छी वोकेबुलरी होना, अपना शब्दकोश बहुत बढ़िया। यहां पर भी देखो आप कौन से टेंस का यूज किया गया है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग, फाउंड सेकंड फॉर्म टुक, ये सेकंड फॉर्म रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म इधर सा, ये सेकंड फॉर्म जहां भी आ रहा है सेकंड फॉर्म विद थॉट, कहीं भी आप देखेंगे वांटेड बिगेन ओपन फेल डाउन लॉस्ट, तो ये सब क्या है श्रेय की सेकंड फॉर्म, यानी कि इस स्टोरी के अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हुआ है। तो ज्यादातर इसी टेंस का यूज चलता है और इस टेंस के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, इसलिए आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट खोलें, पास्ट टेंस है उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट दो वीडियो हैं, उनको देखें तो आपके समझ में आ जाएगा और आपकी स्टोरी बनाने में आपको सरलता होगी। ये वीडियो मेरा यही कंप्लीट होता है, इसके सेकंड पार्ट के साथ अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और यह कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे आने वाले वीडियोज को निरंतर देखते रहें। धन्यवाद।